Hey viewers, Creative Sakura here. How are you all? तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हैदराबादी स्टाइल चिकन दम बिरयानी। तो बिलीव मी, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और कलरफुल भी, तो जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg ऑफ चिकन। इसमें मैं कुछ स्पाइस ऐड करने वाली हूँ, जो कि है 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर सीड पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon ऑफ क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, 8 to 10 क्रश्ड ग्रीन कार्डमम्स, दिस इज 1 lemon, 2 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 10 ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज में मैंने बीच में से कट मार दी थी। अब इन सब स्पाइसेस को हम साथ में ऐड कर देंगे हमारे चिकन में। मेक श्योर कि आप क्यूमिन सीड्स और ग्रीन कार्डमम्स क्रश करके डाल रहे हो, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। ग्रीन चिलीज आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। अब इसका आपको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जो कि है फ्राई की हुई प्याज। इन प्याज को मैंने फ्राई किया था जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, और ये मैंने 6 से 7 मीडियम साइज की प्याज ली थी। चिकन में हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे, पूरी प्याज नहीं डालेंगे, बाकी की मैं बिरयानी के लेयरिंग के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 cup ऑफ कर्ड। अब इस दही को हम हमारे चिकन में ऐड कर देंगे, और इन सभी चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इसका ओवरलुक देख सकते हो, लुकिंग जस्ट ब्यूटिफुल। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ फाइनली चॉप की हुई कोथमीर और पुदीना। आप हैंडफुल ऑफ कोथमीर लीजिएगा और हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स लीजिएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 cup ऑफ ऑयल। ये मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने हमारे अनियंस को फ्राई किया था। आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसको 1 hour के लिए आपको मैरिनेशन के लिए रखना है। ओवरनाइट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है कुछ होल स्पाइसेस। इनका हम स्पेशल बिरयानी मसाला बनाने जा रहे हैं, तो वो है 1 tablespoon शाही जीरा, सिनेमन स्टिक्स 3 to 4 inches, क्लोव्स, पेपरकॉर्न्स ली है मैंने 12 से 15, दिस इज जावित्री, मेज, 1 black cardamom एंड 1 star anise। अब इन सबको आपको अच्छे से पीस लेना है, यानी कि ग्राइंड कर लेना है, और एक इनका स्मूथ सा पाउडर बनाने ला है, यानी कि मसाला। आप देख सकते हो इसका लुक। अब मैंने कढ़ाई ली है, 1 hour के मैरिनेशन के बाद मैंने हमारे चिकन को इसमें ट्रांसफर कर दिया है, और इसे हम 8 से 10 मिनट तक भून लेंगे हाई फ्लेम पर, बिना लिड को कवर किए। कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने लिया है 5 to 6 cups ऑफ वाटर। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 3 tablespoon सॉल्ट, 1 teaspoon शाही जीरा, 4 green cardamoms, 5 to 6 cloves, 5 to 6 peppercorns, सिनेमन स्टिक्स, बेली यानी कि तेजपत्ता 2 लिए हैं मैंने। इन सबको साथ में ऐड कर देंगे और पानी में एक उबाल आने तक हम रुक जाएंगे। ये प्रिपरेशन मैंने असल में हमारे चावल के लिए किया है। चावल को हम पहले बॉइल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया इंडिया गेट के बासमती राइस, आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हो। और इंडिया गेट के ब्रांड में क्या करना होता है, आपको इसे ज्यादा देर तक सोक नहीं करना होता है, इसलिए मैं खाली 10 मिनट तक सोक कर रही हूँ। कोई और ब्रांड के चावल है तो आप इसे आधा घंटे तक सोक कर रख दीजिए। यहाँ पर 8 से 10 मिनट तो मैंने चिकन को भून लिया है, और इसमें हमने जो स्पेशल बिरयानी मसाला बनाया था उसे ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 teaspoon ऐड किया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और अब हम इसे एक लिड की मदद से कवर कर लेंगे और कुक कर लेंगे 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो चलिए, हमारे पानी में एक उबाल आ गया, और जब पानी का कलर चेंज हो जाएगा जब आपको चावल ऐड करने हैं। अब देख सकते हो इसमें 4 हरी मिर्चें भी है, आपको बताना भूल गई, पर इसमें मैं 3 से 4 हरी मिर्चें भी डालती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon ऑफ ऑयल। ऑयल इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। राइस, अगर आप ऑयल डालते हैं तो आपके राइस खुले खुले बनेंगे, एक दूसरे के चिपकेंगे नहीं, और बहुत ही अच्छे से लुक भी आता है आपके राइस को।
अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर मेरा चिकन बिल्कुल तैयार है, मैंने इसे 12 से 15 मिनट तक कुक कर लिया था लो फ्लेम पर। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये कुक हुआ है या नहीं। पूरा कुक नहीं करना है आपको, सिर्फ 70-80% तक ही कुक करना है। एक फोक की मदद से प्रिक कर देखिएगा, अगर ये दो हाफ्स में बट रहा है आसानी से तो फिर ये चिकन इज डन। यहाँ पर चावल को भी मैंने 7-8 मिनट तक बॉईल कर लिया था, इसे भी आपको सिर्फ 70% ही कुक करना है क्योंकि दम में भी हम इसे पकाने वाले हैं। इसके लिए भी सेम मेथड, आपको अपने हाथों की मदद से इसे ब्रेक करके देखना है, अगर ये ब्रेक हो रहा है आसानी से सो दैट्स ऑल रेडी। आप देख सकते हो हमारे चावल बिल्कुल हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और एक छन्नी में हम इसे निकाल लेंगे सीवर में, जिससे कि क्या होगा इसका जो एक्सेस पानी है वो पूरा नीचे निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक वेसल लिया है, इस वेसल में मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल को अच्छे से इवनली हम स्प्रेड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम हमारे बॉईल किए हुए राइस। ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ही कम करेंगे क्योंकि हमें खाली एक पतली सी लेयर बिछानी है नीचे से। इसके ऊपर हम हमारा बनाया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे। चिकन ज़्यादा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, ऊपर की लेयर में मैं थोड़ा कम ही चिकन ऐड करने जा रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स फाइनली चॉप किए हुए। फिर इसके ऊपर हमारा प्याज भी ऐड कर देंगे, फ्राइड अनियंस। फिर से इस पे चावल डाल देंगे, स्प्रेड करेंगे और फिर से आपको सेम लेयर बिछानी है, चिकन, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स और प्याज। और फिर से आपको थर्ड लेयर बनानी है, फिर से राइस इवनली स्प्रेड कर देंगे इसे भी हम। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स। इस पर अब हम डालेंगे स्पेशल प्रिपेयर किया हुआ बिरयानी का मसाला। मेक श्योर कि आप ये मसाला ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हो क्योंकि बिरयानी में इस मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इस पर हमारी बची हुई फ्राइड अनियंस भी डाल देंगे। अब मैं इस पर डाल रही हूँ लेमन जूस, एक होल किए हुए स्पून की मदद से मैं डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके जो लेमन के सीड्स हैं वो इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ नींबू का रस ही जाएगा। तो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो इसका परफेक्ट सा लुक। अब मैंने लिया था 1 टेबलस्पून पानी, जिसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया था, इवनली मिक्स किया था इसे मैंने। और अब मैं हमारे बिरयानी पर इसे स्प्रेड कर दूंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आता है इसकी मदद से। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उस पैन पर मैं रख दूंगी हमारा बिरयानी का वेसल। इस पैन से क्या होगा कि आपका जो चिकन और जो बिरयानी है वो बिल्कुल उसके जलने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। अब देख सकते हैं मैंने एक कवर लिड को एक कपड़े की मदद से कवर कर लिया है, उसके ऊपर मैं एक वजनदार सी चीज़ रख रही हूँ जिससे अच्छे से दम बैठेगा उसे। आप कपड़े के बजाय आटा भी लगा सकते हो। अब देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया हमारी बिरयानी को। इसे मैंने 10 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर दम दे दिया था और आप देख सकते हो इसका ब्यूटीफुल सा आउटपुट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू क्रिएटिव सिकरा। बाय बाय।